हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग 2 दिन के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, 6th एंड 7th जनवरी। तो फ्रेंड्स, बता दें आपको कि इस न्यूज़ डिस्कशन में सारे इंपॉर्टेंट जितने भी मैगजीन्स हैं या फिर द हिंदू, PIB न्यूज़पेपर है, उन सभी के सोर्सेज को शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या आपको कोई और मैगजीन पर जाना चाहिए। तो आई मस्ट टेल यू, अगर आप 2019 में अपेयर हो रहे हैं जून में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और आप पिछले मई से आप फॉलो कर रहे हैं इस न्यूज़ को 2018 से, तो आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और मैगज़ीन पर जाने की, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाया है तो। बिकॉज वीडियोस जब उससे जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें रिविजन करने के लिए एक मैटर चाहिए होता है। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो इट्स अ बेस्ट थिंग एवर। और अगर ऐसा नहीं है, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, न्यूज़ डिस्कशन को कंटिन्यू किया है, तो आप इस वीडियो को ही लास्ट से जाकर के फॉलो कर लें, या फिर इसके PDFs आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या आप किसी और अनदर मैगजीन्स को भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के न्यूज़ के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है करंट अफेयर्स को। इस पर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, कुछ सोचने की ज़रूरत होती है कि ये क्या है, क्यों है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, देखिए अभी रिसेंटली 2018 में 31 जुलाई को एक लॉ बनाया गया था, और द लॉ इज़ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है, 2018। और इसमें सबसे फर्स्ट जो ऑफेंडर करार दिया गया है वो विजय माल्या को घोषित किया गया है। इस एक्ट के तहत उनको पहला भारत का फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़रूर याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली भी बन सकता है कि विजय माल्या को किस बेसिस पर ये इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया है। तो इसमें एक्ट लाया गया है 2018 में, याद रखना है, जिनका भी 100 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर गया है जो फाइनेंशियल अमाउंट है, और तो उनको घोषित किया जा सकता है ये ऑफेंडर। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी डिक्लेयर किया जा सकता है, एंड अदर इंडिविजुअल्स जो कि रिफ्यूज़ कर चुके हैं रिटर्न करने से, या फिर कंट्री में आकर के वो प्रोसिक्यूशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भी ये भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा इसके तहत, और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस हैं, तो हमें डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत है। आपको अभी रिसेंटली ये याद रखना है कि 2018 में एक एक्ट लाया जा चुका है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, ठीक है। अगला न्यूज़ है मनरेगा को लेकर के। जो मनरेगा स्कीम है, इसमें फंड शॉर्टेज की न्यूज़ आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, वहाँ पर खास करके 11 राज्यों में और यूनियन टेरेटरीज में फाइनेंशियल स्कैरसिटी देखी जा रही है, और काम होने के बावजूद जो वर्कर्स हैं उनको पे नहीं किया जा पा रहा है। तो ये वेज अलाउंस वगैरह वहाँ पर कम है, एक छोटा सा न्यूज़ है, रिपोर्ट है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, या आंसर्स वगैरह में आप इसको कोट कर सकते हैं कि एज़ पर द रिपोर्ट ऐसा बताया जा रहा है मनरेगा के बारे में खास करके। नेक्स्ट न्यूज़ है यूट्यूब 2। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया था चाइना का, चैंगफो लूनार प्रॉब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत दिनों से न्यूज़ में है, और उसमें जो रोवर है उस रोवर का नाम है यूट्यूब 2। तो ये भी याद रखना है आपको, क्यों भेजा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, बिकॉज जो डार्कर साइड है मून का, जो अर्थ से दिखता नहीं है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ का पता लगाने के लिए, उसके कंपोजिशन का, सॉयल, रॉक, मिनरल्स का पता लगाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और ये जो प्रॉब मिशन है, ये मेड इन चाइना 2025 प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो याद रखिएगा। और ये जो यूट्यूब 2 है, इसमें रोवर है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला न्यूज़ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ये स्कीम, और प्रॉपरली इसको सपोर्ट किया जा रहा है एडल्ट एंड गर्ल के लिए, और एडल्ट एंड गर्ल रिसाइडिंग प्राइमरली इन द रूरल एरियाज। तो इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को खास करके रूरल एरियाज में टारगेट किया जाएगा, जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर, और ये पार्ट होगा नेशनल हेल्थ मिशन का, ठीक है। फंड फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स पैक्स। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसमें जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उस पर फंड दिया जाएगा स्टेट को, यूटीज़ को, ताकि जो रूरल एडल्ट्स एंड गर्ल्स हैं उनको कम दाम पर जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो दिया जाए, और ख़ास करके उनको अवेयर भी किया जाए इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, स्कीम्स के बारे में। इसके लिए उन्होंने आशा की मदद ली है, जो आशा काम करती है रूरल एरियाज़ में, पूरे कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री, वो ट्रेन करेंगी, उनको ट्रेन किया जाएगा आशाज को, और उनका रोल होगा स्कीम को प्रमोट करना, और जो सैनिटरी नैपकिन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द डॉल्स एंड गर्ल,
और उनको बताना हाइजीन्स के बारे में और एवरीथिंग, जो अवेयरनेस स्कीम्स है वो पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा आशा की मदद से। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज इन्वॉल्व इन द असेसमेंट ऑफ ऑल न्यूअर ऑल्टरनेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स टू लुक इनटू देयर सेफ्टी एंड एक्सेप्टेबिलिटी फीचर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है इसके पूरे प्रोसेस को असेस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसको लिख सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरनेस की जब बात करें महिलाओं के लिए, तो यू कैन ईजिली राइट डाउन दिस स्कीम। वी हैव सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। आपको बता दें कि स्टेप अप आईस इंस्टीट्यूट में ऑफ एज वेल एज ऑनलाइन एक पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम में एक मेंटर होते हैं जो आपको पर्सनली आपके सेल्फ स्टडी को चेक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और पूरा प्रोसेस होता है टाइम मैनेजमेंट की एक डायरी के माध्यम से आप तक पहुंचा जाता है। व्हाट्सएप कॉल्स ईमेल्स के थ्रू आपको गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो इट्स अ हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आप 2019 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या और करना चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली अप्रोच दिस प्रोग्राम। आप डिटेल्स पता करें इसके बारे में और फिर डिसाइड करें दैट यू शुड ज्वाइन इट और नॉट। तो चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं कश्मीर स्टैग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्पेसीज है कश्मीर स्टैग, इसको हंगुल भी बोला जाता है, और ये एक सब स्पेसीज है रेड डियर फैमिली की। और इसकी खास बात ये है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में पाई जाती थी, लेकिन अभी ये सिर्फ दाशिकम नेशनल पार्क कश्मीर में ही देखने को मिलती है हंगुल। ठीक है, ये रेड डियर की स्पेसीज है, याद रखना है आपको। तो इनके कंजर्वेशन के लिए जम्मू कश्मीर में 1970s में IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड ने इनके कंजर्वेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट हंगुल के नाम से, और इनके हैबिटेट को सुरक्षित करने की कोशिश की गई थी। एंड कश्मीर स्टैग केम टू बी नोन एज अ प्रोजेक्ट हंगुल एंड इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड टू 340 बाय 1980। 1970s में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट को और 10 साल के बाद ही में थोड़ी सफलता मिली और 340 जो नंबर है इनके ये इंक्रीज हुए थे। तो क्या थ्रेट है इनका? देखिए, तीन तरीके का थ्रेट है। एक तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है पूरी तरीके से, ओवरग्रेजिंग और पोचिंग से ये ग्रसित है, और ये थ्रेट फेस की वजह से कश्मीर स्टैग या हंगुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चले गए हैं। आप देखिए इनका जो करंट प्रोटेक्शन स्टेटस है कश्मीर रेड स्टैग का, वो क्या है? तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको शेड्यूल वन में लिस्ट किया गया है। इसका मतलब ये हाईली प्रोटेक्टेड स्पेसीज में से एक है जो हंगुल है, और इसके अलावा IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया, जबकि पहले ये लीस्ट कंसर्न में आया करते थे। ठीक है, बिकॉज ये यूरोपियन रेड डियर फैमिली की स्पेसीज है तो ये पहले लीस्ट कंसर्न थे, लेकिन अब इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया गया है हंगुल को। और देखिए कैसे किया जाता है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जब वहाँ उनका पॉपुलेशन पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाए और 80% से ज़्यादा डिक्लाइन कर जाए विद इन 10 ईयर्स, तो इसको लाया जा सकता है ऐसे स्पेसीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, या फिर उनको ज्योग्राफिकल रेंज में काफ़ी उनका रिस्ट्रिक्शन हो, वो कहीं और एरिया में नहीं रह सकते हैं, उसी रीजन में रह सकते हैं, उनका हैबिटेट फिक्स हो। और जैसा भी हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन दिन ब दिन उनका डिक्रीज होता चला जाए, तो इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बनाया जा सकता है, और हंगुल को घोषित कर दिया गया IUCN की रेड लिस्ट में, ये आप याद रखेंगे। और जो भी इनके स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे कि कश्मीर में दाचिकम नेशनल पार्क में ये मिलते हैं, रेड डियर की स्पीसीज है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं हंगुल के बारे में, याद रखना है आपको। ये देखिए, दिस इज़ द हंगुल कॉल्ड कश्मीरी स्टैग, और कश्मीरी स्टैग डियर भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्राइबल्स ऑफ वेस्ट बंगाल बैटलिंग फूड स्कैरसिटी। तो एक स्टडी है, एक स्टडी की गई है अमृत सेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है प्रातिची इंस्टीट्यूट एंड एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, आप इसको नाम भी याद रख सकते हैं, आपको कोट करने में आसानी होगी। तो अमृत सेन की ये इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी है, और उन्होंने एक स्टडी किया ट्राइबल्स पे, खास करके जो वेस्ट बंगाल के ट्राइबल्स पीपल हैं उन पर, और ऐसा पाया गया कि अभी रिसेंटली कुछ मौतें हुई हैं, 7 persons की डेथ हुई है ट्राइबल कम्युनिटी में। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी डेथ बिकॉज ऑफ फूड स्कैरसिटी हुई है। ठीक है, और वहाँ पर जो प्रॉब्लम है फूड स्कैरसिटी की बहुत ज़्यादा है, आपस में बहुत वो उनको फाइट करना पड़ रहा है फूड के लिए, क्योंकि बता दें आपको वेस्ट बंगाल जो है वो 5 million ट्राइबल्स का होम है, का एरिया है,
तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको प्रॉपर स्कीम्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और अगर हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा है फूड सिक्योरिटी का, तो उनका पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए ट्राइबल पीपल को। और इसमें वेस्ट बंगाल के रीजन को टारगेट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ वहाँ पर 5 मिलियन ट्राइबल पीपल रहते हैं। और अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 6% ऑफ इंडियाज़ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ 100 मिलियन। वहीं पर इसमें इस स्टडी में वर्क पार्टिसिपेशन रेट WPR को भी नोट किया गया, और ऐसा माना गया कि आदिवासी फैमिली में, इस कम्युनिटी में जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको काफ़ी फोर्सफुली स्कूल को छोड़ना पड़ता है, बिकॉज वो अपनी फैमिली की नीड नहीं पूरी कर पाते। उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है फॉर अर्निंग द फूड, अर्निंग द मनी। तो जो बच्चे हैं उनको काम में लगा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो एजुकेशन का रेशियो है बच्चों में वो भी बहुत कम है। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं ओवरऑल कि जो हाउस होल्ड्स हैं, आदिवासी हाउस होल्ड्स दैट डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, उनकी परसेंटेज क्या है। आदिवासी पेशेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, उनका रेशियो क्या है। बच्चों में एजुकेशन कितना है, प्राइमरी स्कूलिंग उनकी हो पाती है कि नहीं, क्या वो 1 किलोमीटर तक के रेंज में उनका कोई स्कूल है, और क्या वो स्कूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, उसकी अवेयरनेस है या नहीं उन पॉपुलेशंस में, जो स्पेशली ट्राइबल पीपल के लिए लाया गया है। क्या वेस्ट बंगाल में जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं उनको जानकारी है उस फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। तो इस प्रॉपर स्टडी में सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक बहुत अच्छा डाटा आपके सामने है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और अब हमारे सामने टेस्ट सीरीज़ की डिटेल्स है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया जा चुका है, कल हमारा सेकेंड टेस्ट था, बट आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जब भी आपको नीड हो, आपको लगे कि मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं और कितना डायरेक्शन आपका सही जा रहा है, तो चेकआउट करने के लिए आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपके सामने अब क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस आज आपको मिले हैं, आप उसको ट्राई कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आपको मिले ऐसे क्वेश्चंस। रूट 606 ऑल्सो नोन एज डेलाराम जरांश हाईवे, ये हाईवे के बारे में हमने बात भी की थी पहले, आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्री को ये कनेक्ट कर रहा है, ये जो हाईवे है। अगला क्वेश्चन है अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज, मुझे लग रहा है कि हमने 100 टाइम्स शायद इसको डिस्कस किया होगा पिछले 2 सालों में, तो आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के बारे में, और बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट्स में गिवन है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड है, न्योलिथिक कल्चर के बारे में है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इवन मेंस में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो न्योलिथिक कल्चर से मैच करते हैं, क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर उस टाइम पर प्रैक्टिस में था, डोमेस्टिकेशन हो रहा था एनिमल्स का, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स थे या नहीं थे, मैन्युफैक्चर ऑफ पोइट्री, पोट्रीज तब बनते थे कि नहीं बनते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। एंड वंस अगेन मोर इन्फॉर्मेशन क्लास के बारे में, हिंदी माध्यम में नया बैच लॉन्च हो रहा है 15 जनवरी से, अप्रोच करें इन नंबर्स पर अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। GS Paper 2 से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अलॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और PDFs के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करें www.stepupias.com। एक बात बता दें कि आपको फ़ोन को, अगर आप फ़ोन में चेक करते हैं PDF, तो आप उसमें फ़ोन को स्लाइड कीजिए, जब आप रोटेट करेंगे तो ही आपको जो PDF का लिंक है वो दिखेगा, उसके पहले आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होता है वेबसाइट पर जाने के बाद, तो यू कैन सर्च इट आउट। थैंक यू।